अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिगर में सरीना रोड पर, ठीक है। सामने हमारे शिगर फोर्ट है, लेकिन वो फिर कब दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस वक्त आई हूँ लेविश गेस्ट हाउस में, ठीक है। यहाँ इन्विटेशन आई थी, चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ आपको। यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी मिलवाती हूँ, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राहिला बल्तिस्तानी, वेलकम टू लेविस गेस्ट हाउस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं सबसे पहले? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ खैरियत? तो ये सरीना रोड पे मौजूद है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिगर में मौजूद है। यहाँ शिगर फोर्ट के करीब ही है, यानी 2 मिनट के यानी आप पैदल आप जा सकते हैं यहाँ से शिगर फोर्ट। तो बहरहाल हमने एक स्टार्टअप लिया है यहाँ पे। तो आपने ओपनिंग कब की है? ये ओपनिंग हमने मार्च में किया था, ये ओपनिंग इसी साल मार्च में हमने ये ओपनिंग किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। कितने रूम से इस होटल में? देखने में छोटा सा लग रहा है, अंदर से किस तरह है? यानी ये 10 रूम पर, ये 10 रूम है इसमें। अच्छा, 2 फ्लोर है? 2 फ्लोर है, 10 रूम है और उसमें साथ अटैच वॉशरूम भी है। और यानी 2 बेड्स 3 बेड्स और 4 बेड्स का हमारे पास रूम्स। और खाना हमारे पास कल्चरल डिशेज भी मौजूद है, यानी ममतू खाना चाहते हैं हमारे कल्चर के जो भी खाना, हाँ यही बनाते हैं वो भी हम मुहैया करते हैं। दूसरा ये भी है और बाकी नाश्ता भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ गेस्ट हाउस में। यहाँ पे हमारे पास है वाईफाई भी है और फ्री पार्किंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे पीछे लेके जाने के लिए हमारे पास ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, इस तरह के हमारे पास हर चीज़ हमने मुहैया किया है स्पेशल। और आप इसके सामने देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ वो दरिया शिगर फोर्ट भी करीब है, हर जगह से। यानी ये डिस्ट्रिक्ट शिगर के मेन हेडक्वार्टर पे मौजूद है, ये एक फायदेमंद है टूरिस्ट के लिए। जब से स्टार्ट किया कोई गेस्ट वगैरह आए हैं? हाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स। अभी तकरीबन 6 से 7 कमरे अभी फिलहाल बुकिंग है, तो अभी हम अंदर चलते हैं, आप लोगों को अंदर दिखाएंगे। गेस्ट बैठते हैं सुबह सुबह, गेस्ट यहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ से रोशनी डाल, ये सूरज यहाँ से निकलते हैं तो डायरेक्ट सूरज की किरणें यहाँ पे लग जाते हैं, तो बहरहाल बड़े इंजॉय करते हैं गेस्ट स्पेशली। और यहाँ से आप भी देख सकते पहाड़ पहाड़ बादल, प्यारा व्यू है यहाँ से, प्यारा व्यू है बहरहाल। तो यानी चारों तरफ क्या है वो है पहाड़ है, तो फिर वही हजमत कमाल का वही शेर याद आते हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। तो बहरहाल टूरिस्ट से गुजारिश करते हैं कि आप आए इंजॉय करें और यहाँ के फैसिलिटीज़ अच्छे फैसिलिटीज़ मुहैया है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने देख लिया रिव्यू थोड़ा दे दे आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मतलब अच्छा है कि तो शिखर फोर्ट के बिल्कुल करीब है। यूजुअली लोग शिखर अब बहुत नाम बन चुके हैं शिखर के, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी है। खैर अभी मेरे ख्याल से बन रहा है और ना यहाँ पर काम चल रहा है, बाहर इनोवेशन हम कर रहे हैं, इनोवेशन कोशिश कर रहे हैं बाहर। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को तरक्की दे, इसी तरह आप लोग काम करते रहे और आप लोगों का कारोबार चले। आपको आप कैसे लगे यहाँ पे आके? कहाँ, बल्तिस्तान में? ये बल्तिस्तान में आके और यहाँ गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तो बहुत जबरदस्त लगा मुझे, ठीक है। और बल्तिस्तान में आके बहुत इंजॉय करी। कराची के लोगों को क्या वो देना चाह रहे हैं आप? कराची के लोगों को कि जो बल्ती नहीं या फिर जो यहाँ नहीं आते, मैं कहूँगी कि आए ज़रा देखें हमारे गाँव को, आप बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से यहाँ के लोगों का जो है, लोग भी बहुत खुश अखलाक है, आपको बहुत ख्याल रखेंगे उम्मीद करूँगी। तो आप आइए ज़रूर हमारे गाँव को एक दफ़ा देखें अपनाएँ, तो आई होप आप लोग पसंद करेंगे बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा। कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और यहाँ अगर कोई आए तो फिर ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो देख कर आप लोग आए थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।